नमस्ते, आमे आलोचना करूथिले पंचदश षोडश शताब्दीर ओडिया साहित्य एवं सेई क्रमरे सारला साहित्य। यार पूर्व आलोचना रे सारला दासंकर समय और विशेष भावरे तार सामाजिक राजनीतिक वातावरण संपर्क रे आलोचना करा हे थिला। मुख्यतः पृथ्वीर सबु देश रे एवं प्राय सबु समय रे राजा माने चलंती विष्णु प्रतिमा हिसाब रे पूजित होउथिले। एकमात्र स्वाधीनता, एकमात्र जीवंत मानवीय सत्ता कहिले केवल राजा मानंकु बुझा जाउथिला। सकल क्षमतार अधीश्वर थिले एवं साधारण प्रजा मानंकर जदि जीवनचर्या कहा जीवो तेबे ताहा दुख दैन्य ओ अज्ञता भितरे ही कालातिपात करूथिबा जणा पड़िबो। तेणु एमिति एक कालखंड भितरे मनीष मानंकु अंधाररु आलोक आडकु नेबा पई तांकु तथा कथित धर्मरे दीक्षित करिबा पई बा कुहा जाई पारिबो तांकर आध्यात्मिक उत्तरण पई विभिन्न समय रे जेउ किछि विप्लवी साधक संत कवि माने संसार को आसी छंती सेई मानंक मध्य रे शूद्र मुनि सारला दास अन्यतम। आलोचक सुरेंद्र महंती तांकर ओडिया साहित्यर आदि पर्व ग्रंथ रे सारला दासंकु इंग्रजी साहित्यर चसरंक सहित तुलना करिछंती। चसर जेमिति यूरोपियन जीवन रे सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यर पुनरुत्थान पई संरक्षण पई काउंटरबरी टेल्स रचना करिथिले, सारला दास तांकर रचना मध्यरे विशेषतः महाभारत मध्यरे सेमिति एक प्रयास करिथिबार लक्ष्य करा जीवो। तेबे उत्कलर एई बरपुत्र सारस्वत साधक आदि कवि शूद्र मुनि सारला दासंकर जीवनी संपर्क रे जेऊं ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हुए ताहा संपूर्ण भावरे विज्ञान बा प्रत्नतत्व समर्थित नुहे। विभिन्न आलोचक विभिन्न रकम तथ्य ए प्रसंगरे अवतारणा करिछंती। कारण से समयर गोटे परंपरा मध्य थिला जे कौनसी विशिष्ट व्यक्ति निजर समुदाय ग्रंथरे सृष्टिरे निजर जन्मस्थान बा वंश परंपरार विस्तृत तथ्य देवाकु उचित मने करिनहंती। कारण ताहा संभवतः हेइ जीव अहंकारपूर्ण बा आत्मबडिमार प्रख्यापक। सेथिपई आमे देखिचे संस्कृत साहित्य रे कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, माघ प्रमुख प्रसिद्ध संस्कृत कविगण निज निजर परिचय प्रदान करिबारे कुंठा प्रकाश करिछंती। तेबे केतेक किंवदंती जनश्रुति और रचनावली रे विक्षिप्त भावरे रहिथिबा पंक्ति और भणितार को आधार करी आमे सारला दासंकर परिचय जदि उन्मोचन करिबार चेष्टा करिबा ताहले प्रथमरे आसिब जन्मस्थान। सारला दासंकर जन्मस्थान को नै आलोचक माने भिन्न भिन्न मत परिवेषण करिछंती। जेमिति कि कुहा जाय जे से निजर जन्मस्थान प्रसंगरे विराट पर्वरे उल्लेख करिछंती, ये से जम्बो दीप भ्रतखंड मही ओडो राष्ट्रे भुवन जाज्र नगर पूर्व दिग महदधि निकटे श्वेत बराही नील सुंदर गिरी मध्य स्थाने महावाक्य आख्याने चंद्रभागा अर्क तीर्थ ईशाने पुर रबा संचित से झंकेर पुर जहा बोली श्री गिरिजार आज्ञाए
मुही तही जनमिली विराट पर्व पृष्ठा 709 रे से उल्लेख करिछंती। तार अर्थ होची जे जम्बुदीप भरत खंडगत ओड राष्ट्र रे जाजनग्र जाजपुर रो पूर्व भागरे श्वेत बराही और नीलाचल मध्य स्थल रे चंद्रभागा कोणार्कर ईशान्य दिगरे जंखेरपुर ग्राम रे कवि जन्मग्रहण करिथिले। एही जंखेरपुर ही आधुनिक झंकड़। एही सूचना को आधार करी पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा कहंती श्रीमान शारदा दासंकर जन्मस्थान कटक जिला अंतर्गत झंकड़ प्रगणास्थ श्री शारदा देवी पीठर अनति दूरवर्ती कौनसी एक प्रसिद्ध ग्राम हेबो। अनेक कहंती श्री शारदा पीठर समीप तेंतुलीपदा नामक ग्राम रे शारदा दास जन्मग्रहण करिथिले। श्री भारत दर्पण पुस्तक पृष्ठा 282 ओ 83 तेबे एतद् भिन्न तांकर विराट पर्व वन पर्व आदि पर्व मध्य पर्व रे निजर जन्मस्थान प्रसंग रे से भिन्न भिन्न मत देछंती। वन पर्व रे कहछंती झंकड़ जहाकू पूर्वे बारस्वती बोली गिरिजांक आज्ञा रे मु तही जनमिली। सेहीपरी आदि पर्व रे कहछंती नील सुंदर गिरी उत्तर दिग कणे सारस्वत भूमि भ्रत खंड ईशान्य चंद्रभागा बोली करी नदी एक गटी वृद्ध मातांक पारुसे मोह दधि भेटी से नदी तीरें परशुराम जे घाटई कनकावती नामे पाटणा प्रकाशई ताउत्तरे अनुज सरल बोली ग्रामे विजय माहेश्वरी सारला चंडी नामे। सेहीपरी मध्य पर्व रे मध्य से कहउछंती चित्रोत्पला नदी जे उत्तर भागेण जंखेरपुर नामे अटई पाटणा कनकपुर पाटणा घर परशुराम मुही तांक अनुज सारला दास नाम। तेबे बहु प्राचीन कालरु झंकड़ ग्रामटी एक प्रधान शक्तिपीठ रूपे प्राधान्य लाभ करिथिला। एही ग्रामटीर पूर्व नाम थिला बारस्वती बोली कवि उल्लेख करिछंती। द्वितीय रे झंकड़ निकटवर्ती एक छोट नाळटी को स्थानीय लोके चंद्रभागा कहंती। पूर्वे एही नदीटी कटक जिल्लार वृद्ध माता बा माता मठ निकटरे समुद्र रे पड़िथिला। तृतीय रे एही नदी कूलस्थ झंकड़ निकटरे कनकपुर ग्रामटी अवस्थित सेठारे थिबा घाटटीर नाम परशुराम घाट। एठारे शारदा दासंकर अग्रज परशुराम घाटियाल भावे कार्य करुथिले। तांकरी नामानुसारे घाटटीर नाम एपरी हेइथिबार जनश्रुति रहिछि। चतुर्थरे पूर्वे कनकपुर ग्रामटी कनकावती पाटणा नामरे परिचित थिबार सूचना शारदा दास देइछंती। पंचमरे कनकावती बा कनकपुर ग्रामर उत्तररे सरल बोली गोटिए ग्रामर अवस्थिति थिला जहाकि झंकड़ नामरे परिचित थिला। सेही ग्रामर आराध्य देवी होउछंती सारला चंडी। पूर्वे सरल ग्रामटी सान सरल नामरे परिचित थिबारु कवि ताहाकु संभवतः अनुज सरल बोली कहिछंती। षष्ठरे कटक जिल्लार एही अंचलर उत्तरकु महानदीर एक शाखा प्रवाहित होई पूर्वाभिमुखी होई समुद्र रे पड़िछि। एही शाखाटिकु चित्रोत्पला कुहा जाए। प्राचीन पुराण मानंकरे महानदीकु चित्रोत्पला कुहाजिबार मध्य उल्लेख रहिछि। एही प्रसंगरे कवि शारदा दास कहिछंती श्वेतबाही बा बीरचा क्षेत्र जाजपुर ओ नील सुंदर पर्वत पूरी नीलाचल मध्यस्थल रे ओ महेंद्र चंद्रभागा कोणार्क निकटस्थ ओ कोणार्कर ईशान्य रे झंकेरपुर
बा झंकड़ ग्रामटी अवस्थित। उपरोक्त प्रसंग भित्तिरे कविंकर बासस्थान जे झंकड़ ग्राम एथिरे संदेहर अवकाश नाही एवं एही सत्य को कवि स्वीकारोक्ति मध्यरे प्रमाण करिसंती तांकर बिलंका रामायण रे जोटी से कहउछंती झंकड़ ग्रामरे मोर अटई बसती मूर्खंक गष्ठीरे सदा गला दिन राती। तो तांकर वंश परिचय संपर्क रे मध्य जो तथ्य सब अछि सेठी से लिखिछंती जे मुख्यतः सारला दास कौनसी ग्रंथ रे निजर वंश परिचय दे नहंती केवल तांकर ज्येष्ठ भाई परशुराम चित्रत्पला नदी रे घाटिया भावे कार्य करुथबार कथा से प्रकाश करिसंती किंतु अन्यत्र तांकर कौलिक वृत्ति कृषि बोली स्पष्ट भावरे कहिसंती जेमिति आदि पर्व रे से कहउछंती चास चासीण आंभे नाना कृषि करी धानर चास काकुडी मांडिया आदि करी पुनी जेउ कृषि रे मते लगाई दियंती से कार्य सुखेण मु करु थाई नीति आदि पर्व रे से कथा उल्लेख करिसंती। सेपरि से पुरुषानुक्रमे सारला ग्रामर मुखिया थिबार कथा मध्य कहिसंती से आदि पर्व रे उल्लेख अछि सारल ग्रामर ग्रामरे मु अटई प्रधान पुरुष अनुक्रमे अटुजे ग्रामीण आदि पर्व रे पुणी से तांकर पुत्र मानंक मध्यरे सर्वकनिष्ठ थिले बोली मध्य प्रकाश करिछंती। आदि पर्व गोटिए स्थान रे से कहंती सबुहु सानमु जे जड़ भाव मति तेबे एहा मध्य आदि पर्व रे से उल्लेख करिछंती। एतद् भिन्न अन्य कौनसी तथ्य प्रायतः दृष्टिगोचर हुए नाही तेबे तांकर कौलिक संज्ञा जहाँ कुहा जाय पारिबो पितृदत्त नाम थिला सारला दासंकर सिद्धेश्वर परिडा एही नामरे परिचित थिले अंततः बिलंका रामायण रचना पर्यंत परे सारला देवींकर अनुग्रह लाभ करी से सारला दास नामरे परिचित हेले से जातिरे थिले चसा और तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिडा। प्राचीन ओडिशा रे परिडा एक वीर जाति बा खंडायत जातिर संज्ञा थिला एबे भी परिडा संज्ञाधारी खंडायत जातिर बहु परिवार ओडिशा रे बसवास करी आसुछंती। पारिवारिक जीवन संपर्क रे सारला दासंकर जदि आमे देखिबा निजर ग्रंथ गुडीकर कोनोसी स्थान रे गृहस्थी थिबार सूचना से प्रदान करी नहंती तेबे से विवाहित थिले ओ बहु कुटुंबी परिवार मध्यरे रहुथिले बोली सामान्य सूचना केतोटी स्थान रे से उल्लेख करिसंती जेमिति द्रोण पर्व रे से कहउछंती मुहि जहा भ्रांति कली कुटुंब देखन्ते अवगत वाक्य से बंचाई दियंती मते द्रोण पर्व रे एही कथा से उल्लेख करिसंती। पुनी अन्यत्र से कहउछंती से सांसारिक मोहमायारे बुड़ी रही छंती ओ कुटुंब जंजाल तांको पक्षरे जे असह्य होई पड़ी ताहार सूचना मध्य देछंती सम्यक भावरे तांकर पारिवारिक जीवन चित्र मिली थाए जेमिति अन्य को पद संयोजनारे से कहउछंती गृही होई चलू अछि घेनी पुत्र पौत्री तेणु आमे अनुमान करि परिबा सारला दास निसंदेह भावरे जणे गृहस्थ थिले एवं गृहस्थ जीवनर अनुभूति तांको पाखरे रही थिला। सारला दास निजर ग्रंथ मानंकर अनेक स्थानरे निजकु मूर्ख अपंडित बाळुत बुद्धि अरक्षित इत्यादि भावरे परिचित करिछंती जथा आदि पर्व रे से कहउछंती सुणी बुध जने नधर आनचित्त जन्मेण मूर्ख मुहि नहोई पंडित सेहिपरि मध्य पर्व रे से पुणी कहउछंती मुहि जे अरक्षित अटई अपंडित
विद्या महाशास्त्रे नहिली भगत से परी उज्जक पर्वरे से कहउछंती मुहि शूद्र मूर्ख अज्ञान अपंडित मु काही कहिबी पुराण अकलित श्री महाभारत न पढ़िली न शुणिली न भाविली गत पुण्य एहिपरि अनेक कथा से उल्लेख करिछंती तेबे वास्तविकता हेउची आपणार रचित ओडिया महाभारत रे शारदास निजकु अत्यंत न्यून ओ क्षुद्र करी वर्णना करिछंती सीए अक्षर अर्थात विद्या पढ़ीनांती बोली कहिछंती शास्त्र रे अवगाही नहांती अधिकंतु कुस्थान रे बसिछंती विप्र गोष्ठी रे केबे हेले भी से बसी नहांती तांकर शिशु बुद्धि भी जाई नहीं और तांकर वयस मध्य यथेष्ट परिमाण रे पोखत हेइ नहीं जे कोनोसी बा से कोनोसी गुरुंक ठारू पदमंत्र नै नहांती तीर्थ जाई नहांती जाग यज्ञादि कोनोसी अनुष्ठान रे अंश ग्रहण करी नहांती अथवा कोनोसी मंत्र मने भी करी नहांती शारदासंकर महाभारत रे अत्यंत स्पष्ट भाबरे कहि देव जे ए सबु कथा आद्व सत नुहे शारदास हुए तो विनय करी मध्य ए सबु भणिता करी नहांती तांको काळरे शास्त्रटिए लेखिबा सकासे जेउ सबु औपचारिक निषेध सबु रहीथिला सेगुडाक आद्व अपरिहार्य नुहे बोली घोषणा करिबा पई से एपरी कथामान कहिसंती बोली अध्यापक चितरंजन दास तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास सामाजिक ओ सांस्कृतिक भित्तिभूमि ग्रंथरे उल्लेख करिछंती सेतेबेले ओडिसा रे योग तंत्र ओ काम शास्त्र परस्पर सहित अत्यंत घनिष्ठ भावरे घंटा घंटी होई रहितिले बात्सायनंकर काम शास्त्र मध्यकु शारदासंकर विस्तृत प्रवेश घटीथिला शारदास कोनोसी राजसभार कवि कवि होई बसी नथिले सीए गाँव रे जन्म हेइथिले राजसभार बहु दूर रे तांकर प्रतिभा मान फुलपाणी पाई संजीवित हेइथिला निज गाँव रो चिन्हा देवींकर पाखरे तांकर जाबतीय साधना परिणति लाभ करिथिला ओ सेई गाँव रे ही से निजर ग्रंथ गुडी को रचना करिथिले तेबे ए प्रसंग रे मध्य अन्य आलोचक माने जहां कहंती सेठी कुहा है छि जे निजे बारंबार से कहउछंती मूर्ख अपंडित ज्ञान शून्य से जहां कहई मु ताहा लिखन ए कथा से कहिसंती एवं एई दैनी भितरे से निजर समुदाय सृजनशीलता को जेपरी समर्पण करि दैछंती से केवल कहउछंती जे तांकरी करुणारु एही विराट महाभारत ग्रंथर रचना संभव हेई पारिछि किंतु ताहाकु जेते कहिले मध्य आमे विश्वास करिबा उचित हेबो नाही अंततः ताहा विज्ञान सम्मत हेबो नाही जेमिति साधारण भाबरे आमे जदि जो प्रसंग गुडी को कहिबा महाभारत रे संयोजित हेइथिबा छंद रीति जहां दांडी वृत्त रे रचित ए प्रकार छंदरे पादर अक्षर संख्यार अमेडर रीति ही तांकर पांडित्यर एक अभ्रांत नमूना भावरे ग्रहण करा जाई पारे द्वितीय रे शारदादासंकर भाषा रे रहिछि तत्सम तद्भव देशज आदि शब्दर अपूर्व समावेश विशेष करी कवि संस्कृत शब्द गुडी को ग्रंथ गुड़िक मध्यरे एपरी भावरे मिसेई देइछंती जे सेगुड़िक बुझिबारे पाठक को विशेष कष्ट करिबाकु पड़े नाही एपरी कि निजर अगाध पांडित्य बड़रे से मध्य संस्कृत शब्दरु सह सह तद्भव शब्द सृष्टि करिबा दिगरे निजर दक्षतार परिचय देइछंती तृतीय रे सारलांक महाभारत रे थिबा केतेक पदर व्युत्पत्ति क्रम को देखिले जणा जाय
एथि मध्यरु केतेक संस्कृत महाभारत रे प्रदत्त व्युत्पत्ति क्रमशः प्रायतः समान आउ केतेक विभिन्न पुराण मानंकरु ग्रहण करा जाई प्रसंगचित भावरे व्यवहृत होईचि। पुनश्च केतेक क्षेत्र रे केतेक गपर संस्कृत व्युत्पत्ति ठारु सामान्य भिन्न अन्य केतेक नूतन मध्य से सृष्टि करिछन्ति। चतुर्थरे सारळांकर पांडित्यर अन्य एक उदाहरण हेउची कौरव भ्रातामानंकर नामकरण। से संस्कृत महाभारत रे थिबा सहे भाईंकर नामकरण को अविकल भावरे ग्रहण नकरी एक नूतन दृष्टिकोण नै अर्थात प्रत्येक नामर अक्षर मूल अक्षर दु विसर्गरे अर्थात असत अर्थरे रखी से नामकरण करिछन्। जेपरी दुर्योधन दुशासन दुर्मन दुर्बाल दुर्जन दुर्वीर दुरांतक दुर्बिंद दुरंत दुस्सह दुराम दुसाम दुषम दुष्काम दुर्माली दुकूल एवं सही क्रम रे शेष भाईर नाम दुसाध्य। तेणु सहे भाईंकर नाम सहित जो एकमात्र भग्नी दुशीला नाम दूरे देवा पछरे तांकर पांडित्यर स्पर्श रहीचि बा तांको पाखरे से पांडित्य थिला ए बाबदरे कोनसी विवाद हेबो नाही। पुणी सारळा महाभारत रे एपरी केतेक पद रहीचि जहां संस्कृत महाभारत कालिदासंकर रघुवंशम श्रीमद् भगवत गीता बाणंकर काव्यावली जयदेवंकर गीत गोविंद श्रीमद् भागवत एकाम्र पुराण पंचतंत्र प्रभृति संस्कृत ग्रंथरे दिया जाइथिबा केतोटी श्लोकर आक्षरिक अनुवाद भली मने हेबो। एथिरु कविंकर अगाध पांडित्य थिबार मध्य सूचना मिले। संस्कृत ग्रंथरे नथिबा तंत्रादि उपविद्या सम्बन्धीय विभिन्न तथ्य तांकर ग्रंथ गुडीकरे मिले। एथिरु मने हुए जे कवि उल्लुक विद्या भूत प्रेतादिर आवेशन बंधन और मारण प्रभृति भौतिक चिकित्सा और तांत्रिक विधि सहित पूर्ण रूपरे परिचित थिले। संस्कृत महाभारतर श्लोक संख्या 100,000 होइथिले हे सारळा महाभारतर पद संख्या हेउची 140,000 जहा कि कविंकर पांडित्यर परिचय देवा सहित स्वकीयता और मौलिकतार परिचय मध्य देइथाय। वास्तवरे कविंकर मौलिक कल्पना प्रवणता प्रचंड कवित्व महाभारत और अन्यान्य कृतिगुडिकरे जेपरी प्रकटित होइछि सेहीपरी प्रकटित होइछि संस्कृत प्रभावित ब्राह्मण्य संस्कृति और साहित्य विरुद्ध रे एक व्यापक सांस्कृतिक विद्रोह रे गोटिए ब्राह्मण्य शासित और संस्कृत संस्कृति प्रधान समाज रे शूद्र सिद्धेश्वर परिडा अपनार सांस्कृतिक आध्यात्मिक और साहित्यिक परिचिति लाभ करिबाकु गला बेड़े जैसे बहु बाधा प्रतिबंधकर सम्मुखीन होइथिबा एहा नकहिले मध्य स्पष्ट भावरे जणा पडुची। सेथि लागि बोध हुए संस्कृति सचेतन शूद्र कवि सामंत शासित समाजर दृष्टि आकर्षण करिबा लागि केवल बारंबार निजकु जन्मरु मुरुख मुहि मर नाही शास्त्र ज्ञान बोली कहिछंती। पुनी ब्राह्मण समाजर कपदृष्टिरु आत्मरक्षा करिबा पाई से कहुछंती सबु बेले से जहा कहई मते मु ताहा लेखई साधु सिद्ध जने एथे मर दस नाही
ଏହା କବିଙ୍କର ଦୈନୀ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କ'ଣ ବା ହେଇପାରେ। ସେହିପରି ଶୂଦ୍ର ମୁନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ନାମକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ ସେ କରିନଥିଲେ, ଅନେକତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସାରଳ ଚରଣେ ଶରଣ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କରିବୁ ଦେବୀ କାରଣ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ। ସେହିପରି ଏହି ଉପାଧି ଥିଲା ଦେବୀ ଦତ୍ତ, ଏହା ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୋହର ଆଜ୍ଞାଏ କହିଲି ଶୂଦ୍ର ମୁନି ମୋହର ନାମ, ଏକତାକୁ ଅନ୍ତର ମତେ ନକରାଓ ମତି ଭ୍ରମ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଏହି ନାମଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ କାବ୍ୟକାରିତାର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଛାୟାର ଏତେ ଦୂରରେ ରହି କବିତ୍ୱ କରିବା ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଆପଣାର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହୀତ କରାଇ ନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ କୃତିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସକାଶେ ସେତେବେଳେ କମ୍ ସାହସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ଏକ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନିର ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ମନେ କଲେ ସେ କଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଓ ସେହି ରୀତିଟି ବିରୋଧରେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ବୋଲି କହିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଜଣେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏକ ଅସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଜଣେ ମୁନି ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରେ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିପାରେ, ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅବିବେକ ପାଖରେ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ସାରଳା କବିଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଗଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସାଧନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ଏପରି କଦାପି କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଧନା ମୂଳତଃ ସାଧନା ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ସାଧନା ମୂଳତଃ ସାଧନା ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘ୍ରାଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କର ଗାରକୁ ବାଡ଼କୁ ଡେଇଁଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ସାଧକ କବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାଠାରେ କବିତ୍ୱର ବାସନା ସତକୁ ସତ ପୁର ଭାଗରେ ଆସି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଏହି ସମନ୍ୱୟଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କବିର ହୃଦୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିମା ଭେଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ମୁନି, ମୁନି ଜାତିର ଲୋକେ ରାଉଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ସେବକ, ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି,
सारा ठाकुर रानींकर सेवक मानंक मध्यरे मुनि नामधेय एक गोष्ठी थिबार जणा जाय तेणु सारला दास एमानंकर पूर्व पुरुष हेइथिबे। सेपरि पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा कहंती व्यासदेव ब्राह्मणत्वरु ब्रह्ममुनि थिबारु ताहाकु अनुसरण करि सारला दास देवींकर प्रसादरु महाभारत रचयिता होइथिबारु शूद्रमुनि नाम उपाधि हिसाब से ग्रहण करिथिले। आलोचक सुरेन्द्र महांती ए प्रसंगरे कहंती शक्ति स्वरूपिणी देवी प्रथमे अब्राह्मण संप्रदाय द्वारा पूजिता हेउथिले, परवर्ती कालरे हिंदू तंत्र एही देवी मानंकु हिंदू बा वैदिक अर्थरे देवता गोष्ठींक सहित संयोजित करिबा परे सेमाने ब्राह्मण मानंक द्वारा आराधित होइथिले। अब्राह्मण और तथा कथित नीच जातीय शूद्र माने ही देवींकर आदि पूजक थिले। सेहिपरि सिद्धेश्वर सारला देवींकर पूजक थिबारु शूद्रमुनि नामरे आख्यात होइथिले बोली आलोचक सुरेन्द्र महांती कहउछंती। सेहिपरि डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही से कहउछंती जे सारला दास स्पष्ट भावरे लेखिछंती मुनि अंशरे जन्मिले वाक्य पारे कही पुणी कहउछंती नपढ़ीण एते विद्या साधि लही मुही वन पर्वरे। सेहिपरि मुनि अंश होई मुही जन्मिले जनी चंडी पद्म पाद सेवी हेली शूद्र मुनि विराट पर्वरे से एक कथा कहउछंती एवं एथिरु प्रमाणित हुए जे सारला देवींकर सेवा करी तांकरी आज्ञारे शूद्र मुनि आख्या धारण करिथिले। से शास्त्रकार थिले सुद्धा जातिरे बा तांकर तथा कथित समाज विधि व्यवस्था रे शूद्र थिले एणु अन्य मुनि बा शास्त्र मानंक ठारु निजको पृथक भावरे चिन्हित करिबा पई से शूद्र मुनि आख्या धारण करिथिले। वस्तुतः तांकर द्वारा व्यवहृत मुनि शब्दटिर अर्थ होउची कवि बा शास्त्रकार। सेहिपरि डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य तांकर ओडिया साहित्यर आलोचना प्रसंगे कहउछंती शूद्र समाज रे एही देव पूजक गोष्ठी देवी पूजक गोष्ठी मुनि नामरे परिचित थिले। वंश परंपरा क्रमे सिद्धेश्वर परिडांकर परिवार ओ निजे कवि मध्य सारला देवींकर पूजक थिबारु निजकु शूद्र मुनि नामरे अभिहित करिछंती। ए समस्त आलोचनारु गोटिए कथा प्रमाणित हुए जे प्रकृतरे से शूद्र नथिले किंबा ऋषि मध्य नथिले से साधारण भावरे कहिले हबो कृषक ओ सैनिक सिद्ध ओ साधक कवि ओ मुनि ब्राह्मण मानंकर स्वेच्छाचार विरोधरे मौन प्रतिवाद करी से निजकु शूद्र मुनि भावरे घोषणा करिथिले। समाजर निम्न जाति और निम्न वर्ग मनीष मानंकर सहित निजकु सामिल करिदेई सेही मानंकर उत्तरण पाई प्रेरणा देले प्रकृतरे से थिले मुनि मनकु एकाग्र करिदेई से यथार्थरे मुनि होइ रहिले इतिहासर स्वर्णिम पृष्ठारे। तेणु मुनि बा शूद्र मुनि निसंदेह भावरे एक विवादीय प्रसंग किंतु आपणार जीवन रे साधना रे रचना रे कवि निजर मुनित्व यथार्थ ताकु प्रमाणित करिछंती। आज एतिकि थाउ परवर्ती प्रसंग रे पुणी आलोचना करिबा तांकर धर्म मत एवं सृजना बा सृजनी पर्व बा रचना समग्र संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते धन्यवाद।